आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राज राजेश्वरी मंदिर धामनोद में बैठक संपन्न हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव वैद के नेतृत्व में धामनोद में सदस्यता ग्रहण करने के लिए बैठक आयोजित की, जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए और आम आदमी और किसानों के हित के लिए लड़ने वाले और बाबा साहेब भीमराव के विचारों पर चलने वाले आम आदमी पार्टी के करीब 500 लोगों ने की सदस्यता ग्रहण। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण कर की गई। धर्मपुरी से सुनील वास्कल की रिपोर्ट। सर, ये जो बैठक थी इसके उद्देश्य थे कि धामनोद क्षेत्र में जो है एक तो नए सदस्यों को पार्टी ज्वाइन कराना थी, तो आज भारी तादाद में आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं हमारे आम आदमी पार्टी के मुकेश उपाध्याय जी, उनके हाथों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। मुख्य उद्देश्य यही था। और इसके अलावा जो नए सदस्य जो ज्वाइन हुए हैं आज, उनके लिए एक राजनीतिक प्रशिक्षण भी था। इन दोनों कार्यक्रमों को हम लोगों ने सुचारू रूप से संपन्न किया है। सर, आम आदमी पार्टी क्या मध्य प्रदेश में भी काम करेगी? बिल्कुल साहब, मध्य प्रदेश में काम करेगी नहीं, मध्य प्रदेश में काम शुरू हो चुका है और आज से नहीं, पिछले 8 सालों से काम चल रहा है। बस ये जरूर है कि पंजाब के नतीजे आने के बाद इसमें तेजी आई है और लोग आम आदमी पार्टी को भी मध्य प्रदेश में एक विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। सर, आपका नाम? मैं संजीव वैद्य, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश। सर, फिलहाल में अभी 2022 में मध्य में अपने गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है, जी जी, तो वहाँ पर किस प्रक्रिया से काम कर रही है आपकी पार्टी? सर, देखिए, गुजरात में जो काम कर रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। कल के दैनिक भास्कर में ही खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से नहीं आम आदमी पार्टी से है। अच्छा। और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है, गली गली में, चौराहे चौराहे, मोहल्ले मोहल्ले हमारे कार्यकर्ता टोपी पहन करके जनता के बीच में जा रहे हो, जनता से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा। सूरत में जैसा कि आपको पता है कि हमारे 27 पार्षद ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं, अब हमारी तैयारी गुजरात विधानसभा की है। और सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेंगे साहब, हमारा हरियाणा भी हमारे टारगेट में है, राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है। हमें सत्ता में परिवर्तन तो मध्य प्रदेश में भी लाना है, तो क्रांति का बदलाव तो आप मध्य प्रदेश में भी आएगा और आप सभी मीडियागण इसके साक्षी होंगे। सर, यहाँ पर जो अभी बैठक हुई है, यहाँ पर उच्च अधिकारी कौन कौन आए हुए हैं? देखिए, उच्च अधिकारी के रूप में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय जी आए, मैं स्वयं प्रदेश प्रवक्ता संजीव वैद्य यहाँ पर मौजूद था, हमारे क्षेत्रीय संगठन प्रभारी दुबे जी थे, हमारे जिलाध्यक्ष विजय सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे और हमारे किसान प्रकोष्ठ के झाला जी भी यहाँ पर मौजूद थे। मतलब मान के चलिए कि पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आई थी। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।